राम जन्मभूमि विवादित परिसर के बैरियर को तोड़ने के आरोप में हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दी गिरफ्तारी। राम जन्मभूमि विवादित परिसर के बैरियर को तोड़ने की कोशिश में हिंदू समाज पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए मुकदमे को लेकर आज हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुष्कर राय ने थाना राम जन्मभूमि में गिरफ्तारी दी। बताते चले कि 14 अगस्त 2018 को अयोध्या में आयोजित राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष रहे दिवंगत महंत परमहंस दास की 15वीं पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्य योगीनाथ उपस्थित रहे। वहीं 14 अगस्त को हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अयोध्या कूच का कार्यक्रम भी प्रस्तावित था और इस प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी व पुष्कर राय सहित सैकड़ों कार्यकर्ता अयोध्या में जय श्री राम के नारे तथा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए विवादित परिसर में घुसने के लिए परिसर के गेट नंबर 3 पर हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ गए, जहां काफी देर तक गेट के पास अफरा तफरी मची। इसी दौरान धक्का मुक्की व गेट का कुंडी भी टूट गया, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त होने के कारण कोई भी कार्यकर्ता बैरियर के अंदर नहीं घुस सका। वहीं इस घटना को लेकर थाना राम जन्मभूमि में राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश तिवारी व प्रदेश अध्यक्ष पुष्कर राय सहित 4 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद नामजद पदाधिकारियों के गिरफ्तारी न होने के कारण कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया, जिसके कारण आज हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुष्कर राय ने थाना राम जन्मभूमि में सरेंडर कर गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी के दौरान हिंदू समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पुष्कर राय ने बताया कि हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का शांतिपूर्वक आंदोलन रहा है। इस दौरान कई बड़े अधिकारी भी अयोध्या में मौजूद थे, जिन्होंने खुद भी एक बयान में कहा था कि किसी भी प्रकार का बैरियर नहीं तोड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन के लोग हिंदू समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अनगिनत धारा व मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, जिसके कारण आज हम अपने गिरफ्तारी के लिए राम जन्मभूमि थाना आए हैं। न्यूजलैंड के लिए अयोध्या से अश्विनी की रिपोर्ट। आंदोलन हुआ था, शांतिपूर्ण तरीके से था, मुचलिका भी भरा गया था। पुलिस के आला अधिकारियों का बयान है यूट्यूब पे और बहुत सारे न्यूज चैनल पे, जी न्यूज में भी गया था कि कोई वहाँ पे तोड़ फोड़ नहीं हुआ। फिर ये अचानक किसके दबाव में क्यों इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया और हम 40 लोगों पे अनगिनत धाराएं और IPC लगा करके और जेल में डालने का काम। अगर हम लोग यहाँ पे अपने देश में राम जी के लिए मंदिर निर्माण के लिए आते हैं, अपनी बातें रखते हैं, गुनाह है तो आप गिरफ्तार कर लीजिए, हमें जो सजा देना है दीजिए, क्या करना है। अगर इस देश में अपनी आवाज़ उठाना गलत बात है तो हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप लोग जेल भेजने का काम करिए। यही तानाशाही अंग्रेजों के राज में जैसे हुई थी वही चल रहा है आज के जगह दी। वेब्स वेजिटेरियन फैमिली रेस्टोरेंट की एक्सप्रेस डिलीवरीज अब घर बैठे ऑर्डर करें सिर्फ एक कॉल पर। फ्री होम डिलीवरी के लिए हमें कॉल करना ना भूलें 8092201666। न्यूज़लैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है